the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again all right so complete blood count this is a complete hemogram ट बेसिकली इज अ ब्लड टेस्ट इसमें हम आपका ब्लड लेके ब्लड के अंदर के जो सेल्स हैं उनको मेजर करते हैं कंप्लीट जितने भी सेल्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स हीमोग्लोबिन हिमाटोक्रेट यह सारी चीजें मेजर करते हैं प्लस मैनी मोर थिंग्स रेड ब्लड सेल्स वो हैं जो आपकी बॉडी से ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन uh, लेके आपके लंग से ऑक्सीजन लेके आपके सारी बॉडी को लेके जाके देते हैं वाइट ब्लड सेल्स आपके इन्फेक्शन फाइट करने वाले हैं और वाइट ब्लड सेल्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं मेन मेन पांच टाइप्स के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके डिफरेंशियल काउंट्स देखा जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइड्स उसमें लिम्फोसाइड न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स और मोनोसाइड्स uh, इोसोनोफिल्स इन सबको देखा जाता है राइट right. इन सब के अलग अलग लेवल से अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं क्या बीमारी है क्या है एलर्जिक रिएक्शंस इन इंफ्लामेशंस एलर्जिक रिएक्शंस में आपका योसोनोफिल्स बढ़ते हैं इन्फ्लामेशन्स में आपका न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है इन्फेक्शन्स में आपके लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं इम्यून सिस्टम खराब हो जाए डेफिशेंसी हो जाए तो लिम्फोसाइट्स कम हो सकते हैं या इन बहुत सारे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ही कम हो सकता है ये सारे होते हैं प्लेटलेट काउंट होता है <coughs> प्लेटलेट काउंट Uh, बताता है प्लेटलेट्स जो आपके ब्लड को क्लॉट और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं सो प्लेटलेट काउंट इज इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन लेवल्स जो देखते हैं वो रेड ब्लड सेल के अंदर ही हीमोग्लोबिन है तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है जिसके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने वाला आयरन हीमो पॉर्फरेन रिंग होता है वो देखा जाता है हीमोग्लोबिन लेवल कितना है हिमाटोक्रिट देखा जाता है उसका मतलब होता है कि कितने रेड ब्लड सेल्स है आपके ब्लड के अंदर परसेंटेज वाइज राइट कितने मेजरमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर ब्लड वो हिमैटोक्रिट बताता है उससे ये भी पता चल सकता है कि आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं है जैसे कि अगर आपके ब्लड में पानी कम है तो सेल्स ज़्यादा दिखेंगे तो सेल्स ज़्यादा हो गए तो योर हिमैटोक्रिट विल इंक्रीज या अगर डिहाइड्रेशन नहीं है फिर भी सेल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपके अंदर कोई ना कोई इस तरह की बीमारी है जिससे बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं राइट right. सो so, ये सिंपल कॉन्सेप्ट हैं कंप्लीट ब्लड काउंट का इसके साथ और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि ई एस आर बाकी के केमिकल्स ब्लड में टेस्ट होते हैं बहुत सारे टेस्ट साथ में होते हैं इनका टेस्ट बहुत सारे कारणों से होता है इन्फेक्शंस खून की कमी इम्यून सिस्टम ब्लड कैंसर छोटे से बड़ी बीमारी तक सी बी सी का टेस्ट होता है आपको सीबीसी का टेस्ट जरूरी है कि नहीं ये सारे में से कोई अगर सिम्टम है आपको तो आपके डॉक्टर आपको सीबीसी टेस्ट करवाएंगे और रूटीन ब्लड चेकअप में भी सीबीसी आता है सीबीसी में आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है इंजेक्शन से आपका ब्लड लिया जाता है ब्लड का टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद में रिजल्ट देखे जाते हैं रिजल्ट एज आई सेट डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों में अगर रेड ब्लड सेल्स आपके बॉडी में कम आते हैं तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीमिया दैट कैन बी बिकॉज ऑफ कोई ऐसी इन्फेक्शन जो रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं जिसमें खून की कमी हीमोग्लोबिन कमी ये भी आ सकते हैं एनीमिया आयरन डेफिशंसी एनीमिया हार्ट डिजीज के वजह से वाइट ब्लड सेल्स अगर आपके कम आते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज बोन मैरो डिजॉर्डर हो सकता है कि बोन मैरो से सही से नहीं बन रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी आपकी खुद की इम्यून सिस्टम टारगेट कर रही है डब्ल्यू को या कैंसर में भी ऐसा हो सकता है इवन हाई आर व्हाइट ब्लड सेल्स कैन बी बिकॉज ऑफ अ कैंसर इन्फेक्शन और रिएक्शन टू मेडिसिन वो भी हो सकता है इसी के साथ प्लेटलेट काउंट हमने बताया है प्लेटलेट काउंट भी बीमारियों में कम हो सकते हैं जैसे डेंगी हमने देखा है कई बार या फिर कोई अंदरूनी ही बीमारी एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन इन सब कई चीज़ों से प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं राइट right. सो so, ये सारा पर्पज होता है आपके सी बी को करने का सी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो बहुत वेरी करता है रिमेंबर दैट लेकिन लैब टू लैब वेरी कर सकता है आपको ये देखना है कि आपका जो टेस्ट है वो आपने जो लैब से कराया उसके जो नॉर्मल रेंज दिया गया है उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आपका नॉर्मल रेंज से ज़रा सा ऊपर है हो सकता है वो इनसिग्निफिकेंट हो या फिर सिम्टम्स के प्रेजेंस में वो सिग्निफिकेंट हो या फिर अगर वो नॉर्मल रेंज से कम है हो सकता है कोई दिक्कत ना हो तो ये चीज़ आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें हर एक वैल्यू ऊपर नीचे हो जाने से डरने वाली बात नहीं होती है इसके अलावा आर के इंडाइसिस भी होते हैं जैसे एम सी वी एम सी एच सी एम सी एच ये मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कि एक एक आदमी में कितना हीमोग्लोबिन है उसका वॉल्यूम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वॉल्यूम और ऐसे ऐसी चीज़ें भी मेजर होती है एग्जैक्टली exactly. सो so, इन सब का भी अपना अपना रोल है डायग्नोसिस में जब ब्लड डिजॉर्डर्स होते हैं किसी को सो मेक श्योर कि ये uh, होता है सी के बारे में तो इन शॉर्ट ये है बाकी अभी कोई अगर आपके सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए उसके सवाल के जवाब हम जरूर देंगे राइट